नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ मैं लैपटॉप से नहीं, मोबाइल से। तो कल हमारा जो व्यू था मैंने वीडियो के थ्रू नहीं पोस्ट किया था, आप लोगों को YouTube कम्युनिटी टैब के ऊपर मैंने पोस्ट डाला था सब लोगों को, और साथ में टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो मैं पोस्ट डाला था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कल पब्लिकली व्यू शेयर किया गया था, लेकिन वीडियो के थ्रू शेयर नहीं किया गया था, पोस्ट के थ्रू शेयर किया गया था। दोस्तों हमारा जो कल व्यू था वो ये था कि यहाँ पर मार्केट को तकरीबन 100 से 150 पॉइंट गिरना चाहिए, क्योंकि कल FIIs लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग करके चले गए थे 19,700 की पुट की, जो कि 165 रुपये के आसपास की थी, तो उन्होंने वहाँ पर 150 पॉइंट कमाए थे, ठीक है, जो पुट शॉर्ट उन्होंने किया था। अब जो उनके कॉल राइटिंग थी वो 150 पॉइंट लॉस में चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर या तो मार्केट 150 पॉइंट नीचे गिर जाए, या फिर मार्केट जहाँ पर कल थी वहीं के वहीं क्लोज़ कर जाए, ताकि 150 पॉइंट जो ये कमाए हैं इसके अगेंस्ट में वो 150 पॉइंट का लॉस लेके चले जाएं FIIs लोग। तो यहाँ पर अगर 150 पॉइंट कमाए पॉजिटिव में और 150 पॉइंट का लॉस ले लिया, तो इस हफ्ते में वो लोग कैसे निकलेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलेंगे, ये हमने कल बात डिस्कस की थी। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर एक एक्सपेक्टेड था हम लोगों के 50 से 100 पॉइंट का डिप आएगा, ताकि FIIs लोग अपनी कॉल राइटिंग की पोजीशंस को लॉस में ना निकाल पाएँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ वो मैं आपको समझा लेता हूँ लाइव मार्केट में, और इसलिए मैं आपको कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रहिए, ताकि आपको लाइव मार्केट में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज जैसे ही मार्केट ओपन हुई, तो आप चेक कर सकते हो 12 अक्टूबर का पहला पोस्ट जो मैंने डाला था सुबह 9:30 बजे के आसपास के, यहाँ पर मार्केट के अंदर फ्यूचर में शॉर्ट कवरिंग चालू हो चुकी है। अब दोस्तों शॉर्ट कवरिंग जो हुई चालू, उससे हमको ये तो कन्फर्म हो गया कि मार्केट नीचे तो नहीं जाएगी, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर हमको, क्योंकि सारा डाटा जो होता है ना वो इकट्ठा दिखाता है चारों प्लेयरों का, इसमें रिटेल, DIIs, प्रोपराइटर्स और FIIs लोग होते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को पता नहीं लग पाता कि लाइव मार्केट के अंदर कौन बंदा क्या काम कर रहा है। एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक मार्केट का बिहेवियर होता है, डाटा का बिहेवियर होता है, उसको जज करना होता है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग चालू हो चुकी थी, लेकिन किसने शॉर्ट कवरिंग करी वो पता नहीं लग पाया था, लेकिन शॉर्ट कवरिंग चालू होने की वजह से हमको ये पता लग गया था कि भाई मार्केट नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए। लेकिन अब ऊपर भी क्यों नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है FIIs को, लेकिन यहाँ पर मार्केट ऊपर इसलिए नहीं जानी चाहिए क्योंकि अगर मार्केट 19,800 रुपये क्लोज कर जाती तो FIIs लोगों को लॉस होता। किस चीज़ के अंदर, उनकी स्ट्रेटजी जो उन्होंने फॉलो की थी इस हफ्ते के अंदर, इस एक्सपायरी के अंदर। तो यहाँ पर जो मैंने सुबह सुबह 9:30 बजे बोल दिया था आप लोगों को कि भाई यहाँ पर अब शॉर्ट कवरिंग तो चालू हो चुकी है, मार्केट नीचे नहीं जाएगी, लेकिन FIIs नीड टू क्लोज द मार्केट अराउंड 19,800 टू एग्जिट देयर स्ट्रेटजी एट द कॉस्ट टू कॉस्ट। यानी कि अगर 19,800 के आसपास भी मार्केट क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पर आपको FIIs की जो ऑप्शंस की जो पोजीशंस होती हैं उसमें लॉस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा व्यू जो हमने आपको कल दिया, और आज मार्केट के अंदर लाइव मार्केट में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी आपको समझा दिया। तो दिस इज़ द बेनिफिट टू ज्वाइन द फ्री टेलीग्राम चैनल। फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज मार्केट की क्लोजिंग जो है वो कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई। अच्छा एक छोटी सी बात और है, कुछ कमेंट्स यहाँ पर आते हैं कि भाई सर आपका तो व्यू गलत हो गया, ये हो गया। दोस्तों यहाँ पर देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको कि व्यू मेरा नहीं होता, व्यू होता है डाटा पॉइंट्स का। क्लोजिंग डाटा जो बोलता है ना वो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ। एनालिसिस करने के बाद 90% या फिर आप कह सकते हो कि 95% तक नेक्स्ट डे वो चीज़ें फॉलो होती हैं। लेकिन अगर 22 सेशंस होते हैं हफ्ते के अंदर, मतलब एक महीने के अंदर, उसमें से अगर 2 दिन मार्केट ने आपके एनालिसिस फॉलो नहीं की और 20 डेज करी, तो आई थिंक ये जो एक्यूरेसी है ये काफ़ी अच्छी है, और इस एक्यूरेसी के साथ आप आराम से पैसा कमा सकते हो। तो इसी चीज़ को समझते हुए मैंने पहले से पहले ही आज एक पोस्ट और डाला था सुबह सुबह ही, कि यहाँ पर आप जो भी कमेंट्स में लिखते हो कि भाई आपकी एनालिसिस गलत हो गई, देखो दोस्तों एनालिसिस गलत नहीं हुई है, एनालिसिस सही थी जो हमने कल की थी, लेकिन आज जो एक्शन लिया FIIs ने वो कुछ वैसा लिया कि जो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन उनको लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ हमने आपको टाइम से बता भी दी थी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कुछ भी नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर चेंजेस हो रहे हैं FIIs की स्ट्रेटजी के अंदर, तो वो आपको टाइम से बता दिया जाए, तो वहाँ पर वो चीज़ हमारी जिम्मेदारी है और हम आपको बता देते हैं 90% टाइम हम आपको बता देते हैं इस चैनल के ऊपर, जो कि फ्री टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ,
फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता रहे। दोस्तों अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आज की जो क्लोजिंग हुई वो हुई आपकी 19,800 के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया वो FIIs किस तरीके से अपने नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल के चले गए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो चार्ट जो है वो अब आपके सामने है। तो यहाँ पर जो आज की जो कैंडल बनी है दोस्तों वो ख़तरनाक कैंडल जिसको कहते हैं ना वो ऐसी कैंडल बनी है। और इस कैंडल को जो आज कैंडल जो दिख रही है ना वनडे के ऊपर, ये चार्ट है खुला हुआ है वनडे का। तो वनडे के चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो एक तरीके से कहते हैं ना कि इसे डोजी तो नहीं कहेंगे क्योंकि बॉडी तो उतनी छोटी नहीं है, बट इसे मतलब डोजी टाइप या फिर स्टार कैंडल या डोजी कैंडल, मतलब डोजी के लिए छोटी बॉडी होनी चाहिए बट ठीक है, मतलब टाइप ऑफ डोजी आप कह सकते हो। सो यहाँ पर मार्केट का अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के बाद अगर ये वाली कैंडल बनती है ना जो कि टाइप ऑफ डोजी है, मतलब प्रॉपर डोजी नहीं है बट एक डोजी के टाइप की ही है और स्टार कैंडल टाइप की ही है, तो अगर ये बनती है तो दोस्तों ये नेगेटिव कैंडल होती है। तो ये नेगेटिव कैंडल होती है, इस बात का ख्याल रखना। तो प्राइजेशन जो है वो नेगेटिव है। दूसरी चीज़, ये जो बनी है ना ये अपने रेसिस्टेंस के आसपास बनी है। 19,800 का एक रेसिस्टेंस था जिसके ऊपर मार्केट क्लोज तो करी कल के दिन, लेकिन आज वापस 19,800 के नीचे ही आ गई वापस। ठीक है, तो आज इसको यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी नेक्स्ट डे मार्केट को, लेकिन यहाँ पर वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया मार्केट। तो वहाँ पे ये चीज़ कैसे पता लगी 19,800 के मतलब स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहाँ पे क्लोजिंग जो है वो 19,800 के नीचे हुई है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा लेवल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में जो नेगेटिव मार्केट की नेगेटिव कैंडल है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़, 19,800 का जो था वो रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस के आसपास आपकी स्टार या डोजी टाइप की कैंडल बनना नेगेटिव होता है, और 19,800 के ऊपर क्लोजिंग देकर नेक्स्ट डे उसके ऊपर ना सस्टेन कर पाना वो भी नेगेटिव होता है। तो दिस टाइप ऑफ प्राइजेक्शन इज कॉल्ड द नेगेटिव प्राइजेक्शन। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर यहाँ पे अब प्राइजेक्शन नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर अब मार्केट थोड़ा सा डिप ले सकती है। तो मार्केट कैन टेक द डिप नाउ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, इसके लिए तैयार रहना, इस टाइप का प्रोजेक्शन बना हुआ है। ठीक है, डिप का मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश हो गया, वी विल सी डेट हाउ मच, मतलब हम आगे आने वाला डाटा जो बनेगा कल का या फिर जो कल हम एनालिसिस करेंगे उसमें हम देखेंगे मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कैसा रहेगा कुछ दिनों के लिए। लेकिन इसका मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे मैं क्रैश की बात कर रहा हूँ या मार्केट में घबराने वाली बात है, सब कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए मार्केट क्या करती है ना, मार्केट चलती कैसे है, मार्केट ऐसे चलती है सांप की तरह। तो यहाँ पर डिप का मतलब ना कुछ लोग समझ लेते हैं मैं नेगेटिव हो गया हूँ मार्केट के लिए, या फिर ये समझ लेते हैं कि मैं यहाँ पर मेरा जो व्यू है ना ओवरऑल बेरिश हो गया है, मैं तो बहुत खतरनाक तरीके से बेरिश हो गया हूँ। ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पर मार्केट देखो एक डिप यहाँ लिया फिर मार्केट ऊपर गई, अब यहाँ पर मार्केट अगर डिप लेना चाहती है तो लेने दीजिए ना, डेट इज़ अ अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल तो मार्केट के लिए बहुत तरीके से बुलिश हूँ अभी के प्रेडिक्शन के हिसाब से, बट डिप अगर आना है तो देन वी विल कैश डेट डिप ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें समझाना है कि लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो तो एक अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन एक या दो दिन के लिए यहाँ पर डिप नज़र आ सकता है मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ प्रेडिक्शन जो है वो नेगेटिव है। दूसरी चीज़, कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई ललित सर ये बताइए कि अक्टूबर के जो उनकी शॉर्ट पोजीशंस थी उनका क्या हुआ, FIIs की शॉर्ट पोजीशंस का। तो मैं बता देता हूँ केवल 10,000 पोजीशंस ऐसी हैं जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस में निकली हैं उनकी अभी तक। टोटल जो पोजीशंस थी उनकी 68,000 के आसपास थी। ठीक है, तो 68,000 में से माइनस 10,000 कर लीजिए, और अभी वो पोजीशंस जो हैं कल निकली थी, आज नहीं निकली, कल के दिन वो क्लोज हुई थी पोजीशन। तो यानी कि अभी भी 58,000 के आसपास उनकी नेगेटिव पोजीशंस जो हैं बकाया हैं अक्टूबर मंथ की। आई थिंक जो ये डिप आएगा अब एक दो दिन के अंदर, वो उसके अंदर वो उनकी पोजीशंस प्रॉफिट में आ जाएंगे एंड देन दे विल स्टार्ट टू क्लोज देयर पोजीशंस इन द प्रॉफिट ऑफ अक्टूबर सीरीज़, जो कि उनकी शॉर्ट पोजीशंस खड़ी हुई हैं। तो दिस इज़ हाउ FIIs कैन प्लान। तो डिप के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, प्रेडिक्शन जो है वो नेगेटिव है, ख्याल रखिएगा इस चीज़ का, और पोजीशंस के साथ डाटा भी जो है वो नेगेटिव है। तो दोनों चीज़ें जो हैं फिलहाल नेगेटिव नज़र मुझे आ रही हैं। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर फटाफट से बैंक निफ्टी की भी। तो बैंक निफ्टी डिप देखिए, हो सकता है कि मार्केट 19,700 या 650 तक चली जाए, 19,650 तक तो मार्केट आराम से आ सकती है, मतलब 19,650 तक मार्केट आराम से आ सकती है, ख्याल रखना इस चीज़ का अगर डिप आता है तो।
सेम जो सेम प्रेडिक्शन है वो वैसा ही बना है, ये प्रॉपर एक तरीके से स्टार कैंडल बनी है जो बैंक निफ्टी में है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कहते हैं ना नेगेटिव कैंडल, तो प्रेडिक्शन जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का नेगेटिव है। क्लियर होगी बात। तो ये भी एक डिप के लिए तैयार है और इसका जो डिप है वो आराम से आपको 44,200 तक तो नज़र आ सकता है। तो ये डिप जो है बहुत मतलब दिस डिप विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगेन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आई विल बी प्रिपेयर इन एडवांस, ये डिप जो है मैं इसको यूज़ करूँगा। अब वो डिप जो है 2 दिन चलता है 3 दिन चलता है देन मतलब वो मार्केट पर छोड़ देते हैं। लेकिन वेन एवर आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी कि भाई यहाँ पर डिप के अंदर मुझे दिखता है कुछ भी कि भाई यहाँ पर सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है डिप आने के बाद, देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी बुलिश। ठीक है, तो डिप जो है वो कब तक चलता है डिपेंड ऑन मार्केट, अपने को टेंशन नहीं लेनी उस चीज़ की। डिप आएगा ये हमको पता लग चुका है। ठीक, डिप के अंदर मुझे क्या करना है वो मेरा माइंडसेट मुझे पता है। अब वी विल मतलब जो भी मेरा माइंडसेट है और जिस तरीके से मुझे काम करना है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, सो वी विल कीप डिस्कसिंग। डाटा पॉइंट मैंने बता दिए हैं, नेगेटिव कंडीशन अभी खड़ी हुई हैं, प्रेडिक्शन बता दिया है नेगेटिव है, लेवल बता दिए हैं डिप के कहाँ तक आ सकते हैं। तो एवरीथिंग इज़ डिस्कस्ड आई थिंक। तो यहाँ पर मैं वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। आई होप आपको हेल्प मिलती होगी लाइव मार्केट के अंदर और अभी ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा, ये भी मैं उम्मीद पूरी करता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं लाइव मार्केट के अंदर कल। थैंक यू वंस अगेन।